मध्य प्रदेश में इन दिनों दीपावली से पहले जहां मौसम में ठंडक बढ़ रही है, वैसे वैसे चुनावी माहौल गर्माने लगा है। बुधवार को कांग्रेस प्रत्याशी प्रियव्रत सिंह द्वारा माचलपुर में अनेक वार्ड मोहल्लों में जनसंपर्क किया गया। भाजपा और कांग्रेस के घोषणा पत्रों में लोक लुभावने वादे किए गए, लेकिन पिछले वादों पर कहां कितना अमल हुआ, कितना विकास हुआ, इन्हीं मुद्दों पर हमारे राजगढ़ डीबी भारती संवाददाता द्वारा ग्रामीणों से चुनावी चौपाल पर बातचीत की गई। सरकार ने कहा था कि हम आमदनी दुगनी कर देंगे, सरकार के नेताओं ने कहा था कि हम आमदनी दुगनी कर देंगे, कि आमदनी दुगनी हुई कहां पर हुई मुझे बताएं जरा। कुंडले डैम सबसे बड़ी परियोजना जी जो हमारे खिलचपुर विधानसभा में, हाँ, मुख्यमंत्री सांसद जी की देन है और ये उस समय में हमारे विधायक श्री अजय लाल जी, ये परियोजना बनी तो इससे यहाँ का रकबा बड़ा है, यहाँ पे सिंचाई रकबा बड़ा है तो यहाँ की आमदनी स्वाभाविक बात है, अगर फसल ज्यादा होगी तो आमदनी। मार साहब पहले भी सर 30,000 वोट से हारे थे, 30,000 से हारने वाला आदमी कैसे जीतेगा सर? अच्छा विधायक जी ने क्या काम करवाया आपके गांव में? सर हमारे गांव में बहुत काम करवाया, एक आध काम बताओ ना यार। हमारे गांव में सर 2-3 तो भवन बनवाए, हाँ, उसके बाद में नाला निर्माण करवाया। कि बीजेपी की जो सरकार है 18 साल हो गए है ना, बीजेपी की सरकार में 18 साल से एक भी रोड कुंडालिया पंचायत में नहीं आया। अच्छा, सबसे बड़ी बात, पुलिया को 8 साल होने वाले। यहाँ पे इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क कितनी है? प्रधानमंत्री सड़क यही नहीं ना, ये एक है बस, ये जोड़ है छोटा सा, एक किलोमीटर का है बस। सड़क है ना वो तो बनाए नहीं सरकार ने 18 साल से, जो बेवकूफी का ये चल रहा है राजनीतिकरण शिवराज सिंह चौहान की सरकार में, वो बहुत जनता भी देख रही है यहाँ पे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।